बाइक की हवा निकालते हैं और फिर उसके बाद पंक्चर वाले के पास तो चलते हैं। और ये इसकी हवा निकल चुकी है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कितने पंचर हैं? तीन पंचर ने क्यों ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਇੱਕ ਸੁੱਧ ਮਾਰਦਾ ਗਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ 400 ਰੁਪਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸੁੱਧ ਮਾਰਦਾ ਗਾ ਤਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮਗਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਵਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਂ ਤੀਨ ਪੰਚਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੰਚਰ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਏ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਯਾਰ ਹੂੰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ दिस इज़ मी वकार दानिश और आप देख रहे हैं डेली धरती नासिन शुरू बबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक का महीना और इस बड़े से बड़े तो करप्शन करते हैं, बड़े से बड़े तो फ्रॉड करते हैं, लेकिन छोटे से छोटा तबका फ्रॉड कैसे करता है आइए बताता हूँ। एक छोटी सी पंचर वाली दुकान पर चलेंगे, अपनी बाइक से हवा निकाल के पंचर वाले के पास चलेंगे और उससे पंचर के लगवाना की कोशिश करेंगे। किस तर्ज से हमें पंचर लगा के देता है, ईमानदारी से या फिर बाद इखलाकी बेईमानी से हमारे साथ बात करता है। उम्मीद तो है अल्लाह तबारक व ताला के हाँ भी कि ये तबका ठीक हो जाए, तो आपके सामने हवा निकालते हैं और फिर उसके बाद पंचर वाले की तरफ चलेंगे और पंचर वाले की दुकान ढूंढेंगे और ढूंढ के छोटे से छोटे तबके की आपको बेईमानी दिखाएंगे कि किस तरीके करते हैं। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारी आवाम या हमारे हुक्मरान कभी ठीक नहीं हो सकते। तो आइए मेरे साथ, हम अपनी बाइक की हवा निकालते हैं और फिर उसके बाद पंचर वाले के पास चलते हैं। ये इसकी हवा निकल चुकी है, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। हम इस टायर की हवा निकाल के हम जाएंगे पंक्चर वाले की तरफ और उसको कहेंगे, सर ये बाइक जो है ना पंचर है ये, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो चुका है वो शख्स ने पंचर बाइक नहीं थी, आंखों में धूल चौक चुका था, तो आज हमने क्यों ना कहा कि आपको लाइव दिखाया जाए कि किस तरीके गरीब आदमी अपने भाई का, अपने गरीब भाई का पेट फाड़ता है। तो आइए बाइक को हम क्लोज करने लगे हैं और उनकी उसकी पंचर वाले की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। यार पंचर है भाई? हाँ जी भाई। क्या नाम है भाई? अगला पंचर है। अगला पंचर है? हाँ जी अगला पंचर। अच्छा पहले 10 लाख कितने पहन लेना है? 150 रुपया भाई पंचर का। माशाल्लाह यार। तो इसका ना जो ये पंचर लगा रहा है ना, ये पंचर है नहीं बेसिकली, हमें उसमें साइड पे बैठा दिया है और साइड पे बैठाने की रीज़न इसकी यही थी कि किसी ना किसी तरीके वो अपना काम कर ले, अपने काम को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और अब इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। अब इस शख्स का हम इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है। कितने पंचर हैं? तीन पंचर ने। तीन पंचर दिखा सकने परेशानी पानी पूनी है गया तेरे को जिन्हें चेक करने तेरे तेरे को पता लग गया तीन पंचर ने। अच्छा इस बंदे ने हमारे आंखों में धूल झोंक दी है, तीन पंचर इसने जल्दी से लगा दिए हैं, तीन पंचर फटाफट लगा दिए हैं, लेकिन इसको महसूस नहीं करवाएंगे अभी, कंटिन्यू रखते हैं कि किस तरीके ये अपने काम को सारे अंजाम देता है। तकरीबन 10-15 मिनट उठने के बाद भाई ने हमें इस टाइम उठा लिया और गाड़ी को पंचर लगा दिए हैं। अब इसको दिखाएंगे कि हवा हमने निकाली थी और पैर बदलवा लोगे तो ठीक है, नहीं बदलवाओगे तो सीधा अस्पताल जाओगे। जो पंचर लगवाना है गला सुनो नहीं मैं आया भाजी, मैं तो थोड़े फायदे थी थोड़े कपड़े शपड़े वेख के दस रहा, कपड़े शपड़े वेख के गाड़ी बंद लग दियो पर चलो 400 का होने तेरे तीन पंचर करने हैं। आशा साहब आ जाओ। कितना बुला रहे जी?
तेरे तीन पेंचर करते हैं असि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बताएं इस गाड़ी के पैसे देना दसा मैं की गाड़ी नहीं है तेरा दिमाग तो सही है मोटरसाइकिल है इनके पेंचर है सन ट्यून सीधी करके गल कर मेरा ट्यून की मैं जिंज तू कह रहे हो ओजी गल कर रहे हैं करके मेरा भरा पैसे दे ड्रम है कसुद मारदागा ट्यून सीधी करके गल लगदा तेरा दिमाग में मैं लगदा तेरा दिमाग भी पेंचर हैगा पागल है पागल है ट्यून सीधी करके पैसे देने वास्ते ड्रम कर रहे हो गल कर ट्यून सीधी कर नहीं वो शख्स है जिस बंदे ने आपको वीडियो क्या नाम है आपका भाई इधर से छोड़ दो मैं चले आप नाम बताओ क्या नाम पहले लॉलीपॉप जड़े ना अपनी जेब दस यार बदमाशी नहीं जानी 400 रुपया अपना नाम दस 400 रुपये पेंचर लाए ने 400 रुपये तेन मैं बाद तू दिया पहले अपना नाम दस की तेरा नाम ना कि मैं चमन बलची बनवाई तेरे को मैं लगता तेरा दिमाग भी पेंचर है मेरा भरा सुन मारता है तेन मैं अगे बड़े महंगाई तो गया पिछे हो गया पिछे सीधी करके गल तू सीधी कर पे ते फिर चपेट मारदा है तेन पुलिस नु फोन करनी है फिर की हो जाएगा ते तू अपनी डाउन रख ट्यून डाउन रख अपनी ठीक है तुसी लोग है वीडियो बनाते है सब ड्रामे बाजी कर रहे हो तेरी रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग भी पक्की है मौजूद ठीक है कोई पेंचर नहीं सी हवा मैं निकाली है तू तेने पेंचर कितों काट देते ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਇਹ ਤੀਨ ਪੈਂਚਰ ਕੀ ਹੁਨਰ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ मेरी फ्राडी पहले भी हो चुकी थी बिना कैमरे के हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी दौड़ कैमरे के हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी मुझे ये बताओ तब तो आपने कहा था आप गरीब लोग यार मुझसे वैसे 200 ले लिया आप क्या ड्रामा कर रहे हो अब ये ड्रामा इसलिए मेरे भाई क्योंकि पंचर थे ही नहीं रमजान मुबारक का महीना है और कुछ शर्म नाम की चीज़ है तेरे में तो थोड़ी बहुत ही शर्म होती है बंदे में है तेरे में शर्म नाम की चीज़ तीन पंचर वीडियो दिखा दूँ आपको वीडियो दिखा दूँ नहीं बस आपने कह दिया ठीक है भाई माफ़ी मांगती हूँ अपनी बात की इस बात को इग्नोर करते हुए चूज करते हो इस बात से कि आपने पंचर जो है एक्स्ट्रा लगाए हैं भाई क्या करूं मेरे बच्चे भूखे हैं यार बच्चे भूखे हैं तो वो बेईमानी से कमाओगे यार क्या करूं मैं यार कोई जॉब तो है नहीं मेरे पास सुबह से आप पहले गा गए यार क्या करूं किसका दिल करता है बेईमानी का मरियम नवाज ने आटा शाटा नहीं दिया राशन वाशन नहीं पूछा नहीं दिया यार ये सूट मेरे थैले में है ये एक बंदे ने सूट दिया ये गर्मी है अभी मोटा सूट दे दिया इसकी सिलाई 1500 रुपया किधर से दूंगा मैं भी इंसान हूँ यार ये पहले रोजे से सूट मिला हुआ मुझे अच्छा आपके साथ लोग बेईमानी कर रहे हैं आप लोगों के साथ बेईमानी करोगे भाई क्या करूँ हैं क्या करूँ मैं काम मिलता नहीं है जिधर जाओ बेरोजगारी है रोजे है क्या करूँ मैं मुझे तो मेरा कोई बहन भाई नज़र ही नहीं आ रहा यार आपका रोजा है नहीं है ना रोजा है भाई रमजान मुबारक महीने का इस बरकत महीने का कोई थोड़ा बहुत एहतराम होता है बंदे के अंदर क्या एहतराम कर ले बंदा क्या करूं मेरे बच्चे भूखे हैं भाई बच्चे भूखे तुमको हराम का खिलाओगे जाके तुमको हराम का खिलाओगे नहीं भाई खिलाना क्या है सुबह तो एक जगह पर सैरी कराती है उन्होंने सालन नहीं दिया उनको खाली चाय के साथ रोटी अपने तीन बेटी है मेरी क्या करूँ मैं बताओ मजबूरी बड़ा कुछ करा देती है भाई आप शर्म आ रही है शर्म आ रही है आपको माजरत करते हैं आप इस बात से कि आपने गलत किया है गलत भाई अगर मुझे अच्छा मुस्तकबिल मिले अच्छा अब मेरी बात सुने 300 रुपये किलो प्याज है कितने के है 300 रुपये 300 रुपये किलो प्याज है वो कहाँ पे 300 मिल रहे हैं भाई रेडी पर मिल रहे हैं आपको जाके देखो तो सही अच्छा फ्रूट 200 रुपये किलो है अच्छा उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें यार सही सही मेरे पेंचर पर तो आपने बड़ी जल्दी कैमरा डाल दिया अच्छा मेरे बच्चों के पेट में डाल के देखे कैमरा आपको नजर आएगा यार आप बेईमान हैं आप माजरत करते हैं हम ऑन द रिकॉर्ड गलत था ना ये गलत है भाई गलत था जी भाई पंचर तुमने लगाए जी भाई तीनों जी भाई शर्मिंदा हो इस बात से
भाई मजबूरी बड़ी है, यहाँ तो कोई रोजगार का करे। जाने दो यार मजबूरी। अब पिज़्ज़े बर्गर खाने वाले मीडिया वाले पिटते हैं जी ये। सबर है सबर है सबर है, बंदे की ट्यून वहीं की वहीं है, बंदा वहीं का वहीं सोच रहा है, वहीं का वहीं उसका नजरिया है। मेरा ख्याल कितने लोगों को दिन में ये इस तरह चूना लगाते हैं। फिर बात अब जब आ जाती है गुर्बत की, तो फिर इंसान कर कह सकता है, फिर बस हो जाता है और बेसिकली मान लेते हैं कि इसकी गुर्बत होगी, लेकिन किसी अपने दूसरे का पेट फाड़ के खुद के पेट के अंदर रोटी लेके आना ये ठीक बात नहीं है, ये गलत बात है। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे लेके जाए और इस रमज़ान मुबारक के महीने में इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी और इस मुल्क में जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म करे, गुरबत का खात्मा करे। पूरी दुनिया में जितने भी उम्मत मुस्लिमा है, जितने भी सारे मुसलमान यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए रहम करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों की मदद कर सकें, किसी के साथ बेईमानी फ्राड के साथ धोखाधड़ी के साथ अपना पेट ना पाले। मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।